हेलो फ्रेंड, आइए आज चेक करते हैं कि ऑल्टो 800 का म्यूजिक सिस्टम कैसे सही करें। अचानक हुआ क्या था कि मैंने अपने चार्जिंग पॉइंट में चार्जिंग प्लग लगाया और कनेक्ट फ़ोन से करने के बाद मैंने देखा कि एक कट की आवाज़ आई और मेरा चार्जिंग बंद हो गई और म्यूजिक सिस्टम भी बंद हो गया। अभी आप देख सकते हैं मेरा गाड़ी ऑन है और म्यूजिक सिस्टम भी बंद हुआ है। इसको सही करने के लिए मैंने क्या किया, मैं अपने बोनट मतलब स्टेयरिंग के नीचे वाले पार्ट में जहाँ फ्यूज़ बॉक्स होता है वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने म्यूज़िक का जो फ्यूज़ पॉइंट पोर्ट होता है वो ये वाला होता है, बीच में, ये एक तरफ और ये बीच वाला पार्ट जो है यहाँ म्यूज़िक का फ्यूज़ लगा होता है। इसको मैंने निकाला और देखा कि मेरा फ्यूज़ 15 नंबर का फ्यूज़ होता है, ये 15 नंबर का फ्यूज़, ये फ्यूज़ टूटा हुआ था, ये देख रहे हैं बीच से टूटा हुआ है। सही फ्यूज़ जो होता है वही सही फ्यूज़ इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं आप, मिला हुआ है अंदर से और ये अंदर से टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ है, ये ख़राब है और ये जुड़ा हुआ है, ये सही है। आइए दोस्त चेक करते हैं कि क्या इस फ्यूज़ को लगाने के बाद मेरा म्यूज़िक सिस्टम काम करेगा। मैंने जस्ट इस फ्यूज़ को यहाँ पर कनेक्ट किया, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर जस्ट इसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद मैं अपनी गाड़ी को ऑन ऑलरेडी हुई हुई थी, हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी गाड़ी ऑन है और हम फ्यूज़ पर काम कर रहे हैं, हमें गाड़ी लॉक कर लेनी चाहिए। गाड़ी लॉक करी, फ्यूज़ सही किया और अब देखेंगे आप फ्रेंड मेरा म्यूजिक सिस्टम चल गया है। तो हमें इस तरीके से दोस्त अपना गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम रिपेयर कराने से पहले चेक कर लें फ्यूज़ कि गाड़ी में फ्यूज़ तो फ्यूज़ नहीं हुआ है। यदि फ्यूज़ है तो उसको जस्ट आप रिप्लेस कर दें, मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिक लगभग 300 रुपये सर्विस चार्ज लेते हैं जो कि वेस्ट ऑफ मनी है। हमें अपने आप से इसको चेक करके फ्यूज़ को सही कर लेना है और सही करने के बाद हम मार्केट से चाहे तो एक फ्यूज़ लेकर के आ सकते हैं जो कि सही फ्यूज़ होगा। ये ख़राब फ्यूज़ अब बेकार है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको फेंक देते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।